अक्रॉस इंडिया भक्ति मूवमेंट चल रहा था जिसको हम लोगों ने मीडिया में कवर अप करके रखा था एंड भक्ति मूवमेंट वर्कलीफ़ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑनली भक्ति में होता क्या है कि आप बेसिकली रिलीजन बेस्ड मैल प्रैक्टिस फॉलो मत करो आप रिलीजन में रिफॉर्म लाओ भगवान को दिल से मानो रिलीजन के मैल प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है भगवान को संतुष्ट करने के लिए एंड फॉर देट परपज दो इम्पोटेंट निर्गुना सेंट है जिनके ऊपर हम लोगों ने मीडिया में पढ़ा भी था दैट इज गुरु नानक

था हिंदू रिलीजन के अंडर का इसको क्या मिला इसको रिलीजन का स्टेटस मिलना चालू हो गया so यही वाला इवोल्यूशन आज हम लोगों को थोड़ा बहुत देखना है टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु द लास्ट सिख गुरु तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली गुरु नानक इज लाइफ ऑफ गुरु नानक की अगर बात करें तो वॉज बॉर्न इन टू ट्रेडिंग खतरी फैमिली में बॉर्न हुए थे

बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा कि गुरु नानक जी ने खुद ये जन्म सखीज लिख के रखी है बहुत जगह पे लिखा दिखाई देगा कि में एक factual data है कि गुरु अंगद जन्म which belong to the गुरु नानक और जिनके ऊपर स्टोरीज हम लोगों को दिखाई देती है इस बुक में ये वाला बुक गुरु अंगद well इनके पीरियड ऑनवर्ड ये बुक जो है बेसिकली बना होगा

उसी की वजह से इनके एक डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ प्रैक्टिस बनी एंड डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ प्रैक्टिस अल्टीमेटली रिलीजन जो है बाहर आया तो लेट्स गो इन टू दिस एस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नानक ऑलवेज एम्फोसिस अपॉन इक्वालिटी इक्वालिटी होनी चाहिए इन बिटवीन मेल इन बिटवीन फीमेल एंड डेर आफ्टर फिर एंटायर ह्यूमैनिटी में तो विथ इन मेन विथ इन मेल पॉपुलेशन या फिर फीमेल पॉपुलेशन देर शॉल नॉट अगर हम लोग हिंदू रिलीजन की बात करें तो हमने इलेबोरेटली डिस्कस करके रखा था कि कैसे वर्ण कास्ट बेस्ड डिविजन हिंदू सोसाइटी में अवेलेबल थे विद इन विदिन अपर वर्ण एंड लोअर वर्ण वाला पंगा जिसमें हमने देखा था कि सती प्रैक्टिस में ही अपर वर्ण ऑफ वुमन जो है उनको सती प्रैक्टिस जो परफॉर्म करनी पड़ती थी लोअर वर्ण डिड नॉट हैव एक्सेस टू सती एज सच तो आइडियाज ऑफ इक्वालिटी इनफैक्ट इट इज डिड क्लेम की ये जो प्रिंसिपल है सिख रिलीजन में आप सरनेम नहीं लगाओगे अगर मेल पर्सन है तो अपने नाम के पीछे जो है सिंग लगाएगा और अगर फीमेल पर्सन है तो फीमेल्स विल पुट कॉर आफ्टर देयर नेम इससे होता क्या है कि इंडिया में अगर आप किसी का भी सरनेम देखोगे तो सरनेम से उसकी जाति पहचानना काफी ईजी हो जाता है एंड यही वाले एस्पेक्ट की वजह से यू डू नॉट पुट यूर सर नेम इन एज अफिक्सर ने इस सिंग लगाओ बट ये वाला प्रिंसिपल कभी भी एनफोर्सिएबल प्रिंसिपल नहीं रहा है एंड दैट्स कैन सी सिख रिलीजन में अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज है जो अपने नाम के आगे सरनेम लगाना प्रेफर करती है अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर कन्वर्टेड पीपल इन टू दिस रिलीजन तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब एक नए रिलीजन में कोई बंदा जाता है तो पहले वाले रिलीजन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस नए रिलीजन में लेके ही जाता है जैसे फायर वर्शिप मतलब धूप अगरबत्ती ये आपको इस्लामिक मॉस्क या फिर इस्लामिक दरगाह में भी दिखाई देगी जबकि फायर वर्शिप का कोई भी एलिमेंट इस्लामिक रिलीजन में है ही नहीं तो ये वाला पंगा कि मेजोरिटी ऑफ द इंडियन कन्वर्टेड इन टू इस्लामिक रिलीजन हिंदू पीपल तो दैट्स तो से पहले की प्रैक्टिस वहाँ पे चली जाती है एंड डिस्पाइट हैविंग प्रिंसिपल आपको सिर्फ सिख रिलीजन में भी जाति एंड वर्णा का इन्फ्लुएंस आज के टाइम पे भी दिखाई देगा ये क्यों है बिकॉज गुरु नानक ने अपने प्रिंसिपल तो दिए है

तो पहली वाली चीजें फॉलो नहीं करेंगे कुछ नई चीजें सोसाइटी में लाएंगे दैट इज बेसिकली द लिबरल एटीट्यूड पहली वाली चीजें मतलब यहाँ पे कौन सी आएंगी तो धर्म के आधार पे जो सोसाइटी बनी है वी नॉट बी फॉलोइंग दैट सोसाइटी हम लोगों को क्या करना है कुछ नए प्रिंसिपल सोसाइटी में लाने पड़ेंगे एंड दैट न्यू प्रिंसिपल शॉल बी एक्सेप्टेबल टू यू जैसे आज के टाइम पे भी सोसाइटी में चेंजेस होते ही रहते हैं वो चेंजेस किसी बंदे को एक्सेप्ट होते हैं किसी बंदे को एक्सेप्ट नहीं होते हैं उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी आज भी डिवाइडेड है इन बिटवीन कंजर्वेटिव एंड लिबरल पीपल

हर एक सिख ने अपने अपने हिसाब से के तरीके तो प्रिंसिपल डाले थे उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे बट यही मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि फर्स्ट एंड सेकेंड सिख गुरु ने एक नया ट्रेडिशन भी एस्टेब्लिश किया था कि आउटगोइंग सिख गुरु ऑन बेड या फिर कभी पहले भी

तो वैसे पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है तो गुरु मुखी है इन्होंने अर्स्ट लेवल पे गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल करना भी चालू किया था इवन दो बट अर्लिए लेवल पे अपने गुरु, अपने बुक में गुरुमुखी में लिख के रखने चालू भी चालू किए थे एंड एज आई टोल्ड यू कि जन्म सखी भी है इन्हीं को बिलोंग की जाती है ऐसा ही अभी के लिए कंसिडर करेंगे बिकॉज ओल्ड एनसीआर में इन्फॉर्मेशन है Thereafter, he also popularized the Langar Institution. Langar Institution का जो essence था वो भी मैंने आपको बताया कि भाई Langar Institution is important. That brings us to the third guru, that is Guru Amar Das. इन्होंने in order to strengthen the movement, Manjis and Piris नाम का institution बना के रखा था Manjis and thereafter फिर ये Piris जो है काफी significant है बिकॉज इसमें होता क्या है कि दिस आर बेसिकली मिशनरी सीट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द सिख रिलीजन लोकल लेवल पे गुरुद्वारा तो बहुत बाद में रखना चालू हो गए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी रिलीजन जो है वो फैलता है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बुद्धिस्ट रिलीजन एक जमाने में पूरे इंडिया में क्यों फैला बिकॉज ऑफ देयर विहारा ये विहार में बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धिस्ट नंस आके बैठते थे आजूबाजू वाले एरिया में मिशनरी एक्टिविटीज मतलब बुद्धा के प्रिंसिपल फैलाने का काम करते थे

हम लोग को दिखाई देता है कि इन्होंने अपने ही बेटे को नेक्स्ट गुरु कर दिया तो पर्टिकुलर फैमिली इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप आपको दिखाई देगी इट इज क्वाइट ऑर्डिनरी ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा के रखी थी कि कोई भी एक बंदा जो अपनी जिंदगी में सारा काम जो अपने बेटे के लिए ही करता है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप विच वॉज पहले के टाइम पे ओपन फॉर एनी पर्सन इफ ही ही बिकम्स अ फेवरेट ऑफ द द गुरु विल बिकम नेक्स्ट गुरु बट अभी के लिए इन्होंने जो ये पहली प्रैक्टिस अपने बेटे के पास दे दी

उसको आप बोलोगे कनखा जहां से फिर आजू बाजू वाले एरिया में इनका नाम फैलेगा एंड वहां पे इनके जो है वो आएंगे एंड रिलीजन फैलाने का काम जो है करेंगे बट इन एनी केस ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द अमरदास फाइनली अकबर का एक लोकल विजिट हुआ था गोविंदवाल एरिया में पंजाब का ही एरिया है एंड ही एक्सप्रेस डिजायर टू मीट विद द गुरु गुरु से मिलने के बाद अल्टीमेटली गुरु इंसिस्टेड कि लंगर में बैठ के आप खाना खाइए

है, उसके आज बाजू में ही होता है उसके आजू बाजू में जो बेसिकली चक्कर लगा के अपनी शादियां करते हैं तो आनंदोइटिकुलर इंस्टीट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाई द गुरु इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द मैरिज

But यही अर्ली पिलगरी में जो एस्पेक्ट जो हिंदू रिलीजन में भी सॉरी सिख रिलीजन में भी आने चालू हो गया इन्होंने सती के खिलाफ लेवल पे पर्दा सिस्टम के खिलाफ भी अर्लिएस्ट लेवल पे आवाज़ें उठाने चालू की थी बिकॉज दिस वॉज नाउ न्यू रिलीजन दिस पीपल स्टार्टेड टू ट्रीट एज रिलीजन तो दैट्स ये भी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा हैलिटी बिकॉज सिख रिलीजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर लेटर ऑन बनने वाला था अमृतसर This land जो है, ये land या फिर अमृतसर जो बनाने का काम है ये इन्होंने ही चालू किया था इनफेक्ट अकबर के टाइम पीरियड में ही हमको दिखाई देता so है गुरु रामदास का रिलीजियस ग्रांट में देके रखा हुआ था जिसके ऊपर इन्होंने ये होली सिटी बनाने का काम किया है इन्होंने सिख रिलीजन में एक मसंद नाम का सिस्टम लाया ये भी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है मसंद का मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्टर है

जो आपको देना पड़ेगा किसको एम्पेर को देना पड़ेगा एंड एम्पेर अल्टीमेटली पैसा यूज करके क्या करेगा जो पुअर इस्लामिक पीपल का, तो का इस्तेमाल करके जो रिच सॉरी oh गरीब सिख रिलीजन है गरीब सिख ब्रेथरन्स है उनके भलाई का काम करेंगे और ये टेन परसेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए अब एक मसंद नाम का ऑफिसर

तो दैट्स ये जो होते थे मेन कंजर्वेटिव रिलीजन के इनके बीच में हमेशा से काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं बट इन एनी केस ये सारी चीजों में अल्टीमेटली वही पता चलेगा कि अब सिख रिलीजन रिलीजन एक प्रॉपर बनता जा रहा है इनके पास बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप है वो भी हेरिडिटरी बेसिस पे दर आफ्टर इनके पास अपने मिशनरी एक्टिविटी के लिए इन्होंने मांझीपीरी सिस्टम भी बना के रखी हुई है और इन्होंने अल्टीमेटली अपना टैक्स कलेक्शन भी चालू करके रखा हुआ है दैट इज दास वन

बना हुआ था बस इतना ही याद रखो कि गोल्डन टेम्पल का जो गोल्डन डोम है वो लेटर ऑन महाराजा रंजीत सिंह ने डाला हुआ 1802 में ही कैप्चर्ड अमृतसर तो पहले गोल्डन डोम इसके ऊपर नहीं था गोल्डन डोम बहुत बाद में चढ़ाया गया है 1802 में बट हर साहिब इनिशियल फॉर्मेट में क्रिएट किया गया था अंडर द द टाइम पीरियड ऑफ अर्जन देव एंड ही इज ऑल्सो सरताज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरफेयर ऑफ द सिख रिलीजन इन टू इस्लामिक रिलीजन और बेसिकली मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स इट इज इनफैक्ट अकबर जिनकी हमेशा से एक लिबरल पॉलिसी रही है कि जिन्होंने मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो हेड है प्रीस्ट है उनसे कांटेक्ट करके उनके रिलीजन को समझने की और उनके रिलीजन के गुड पॉइंट्स उठाने की कोशिश की जो लोगों ने अकबर की इबादत खाना वाले पॉलिटिक्स में देखा था हाउ एवर आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर नॉट आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर बट फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर ऑनवर्ड सिख रिलीजन का मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी उतना ही ज्यादा बड़ा 1581 ऑनवर्ड ही अगर हम लोग बात करें हमने देखा भी था वहां से लेके 1595 के पीरियड में अकबर जो है रफली काबुल कंदार लाइन ऑफ डिफेंस मेंटेन करने में लगा हुआ था बिकॉज़ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम बगावत कर चुका था एंड दैट्स अ अकबर वाज सिटिंग इन दिस एरिया पंजाब वाला एरिया नॉर्थ ऑफ सतलज एंड इन दैट कैपेसिटी ही एस्टैब्लिशड एलाबोरेट कांटेक्ट विद द सिख रिलीजन

जहांगीर का रिवॉल्ट नॉर्थ में होना चालू हो गया जहांगीर का रिवॉल्ट उसके पीछे का रीजन भी पता है कि जहांगीर है टू सन एक का नाम है खुसरो और एक का नाम था खुर्रम। खुर्रम बिकेम खुसरो जो है बेसिकली वॉज ऑलवेज टॉटेड बाय अकबर एज नेक्स्टर अकबर चाहता था कि नेक्स्ट टेम्पेर खुसरो बने

जहांगीर जहांगीर ने सबसे पहले अब का का उसने काम करना भी चालू किया जहांगीर सॉरी नॉट अकबर जहांगीर एंड जहांगीर ने जैसे ही रिवॉल्ट किया खुसरों के खिलाफ काम करना चालू किया अकबर को एक खबर मिली अकबर अल्टीमेटली सेंड मतलब एक लेटर टू सिख गुरु दैट इज गुरु अर्जन की भी सपोर्टिंग खुसरो। फिर खुसरो को सपोर्ट भी कर दिया खुसरोपोर्ट करने के बाद लेटर ऑन अकबर, दिल्ली में, अकबर, अकबर इन 1605. 1605 में अकबर के जाने के बाद फाइनली सिख गुरु इज गुरु अर्जन देव जो है उनके ऊपर जो ओल्ड ग्रज था उसका बेसिकली एक जिम्मेदारी रखी गई इनके ऊपर अरेस्ट किया गया अंडर आफ्टर ही वॉज हैं ये काफी अगेन क्या था एक ऑर्डिनरी एस्पेक्ट था बिकॉज सुल्तान के से एनिमी ऑफ द स्टेट एंड गुरु अर्जन के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटेंगल हो गए जिसके वजह से अल्टीमेटली जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट किया एंड सरताज ये वाला जो टाइटल है that is, Crown of the ये मिला हुआ है बट इन एनी केस इनके बाद फिर गुरु हरगोबिंद गोविंद गुरु हरगोबिंद

टैक्स कलेक्शन जो करके रखा था वो भावी आर्मटाइजेशन ऑफ एंटायर सिख रिलीजन में भी इन्होंने करना चालू किया इसके लिए इनको सोल्जर सेंट भी बोला जाता है कि ही बिकेम द फर्स्ट सिख गुरु टू टेक अप आर्म टू डिफेंड हिज एंटायर रिलीजन एंड इसके साथ साथ ही इन्होंने अकाल तख्त नाम की जो चीज है वो बना के रखी अकाल तख्त का मतलब क्या है अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है यही गोल्डन टेम्पल में अल्टीमेटली ये सिख गुरु बैठा करते थे एंड सिख गुरु के पास अब क्या है तो टेम्पोरल एज वेल एस स्पिरिचुअल दोनों पावर है दैट्स दिस बिकम परमानेंट सीट ऑफ ऑफ पावर द सिख सिख रिलीजन रिलीजन इन अमृतसर का जो अकाल तख्त है वो आज भी अमृतसर में है आज भी यहाँ पे बेसिकली अकाल तख्त में आपका जो ये है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है जिसके लेटर ऑन बात भी करेंगे बट गुरु हर गो इज अगेन अ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी इनके बाद गुरु हर राय तो गुरु हर राय जो है अगेन यहाँ पे भी आपको वही दिखाई देगा कि अगेन एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस ऑकड कि द टाइम पीरियड ऑफ द गुरु हर राय एक अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ नाउ टाइम वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में था तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन नाउ शाहजहां के बेटों में था एंड शाहजहां के जो चार बेटे थे उसमें दो इंपॉर्टेंट बेटों का नाम जो है एंड दूसरा जो था बेसिकली दारा तो औरंगजेब एंड दारा सुखो में अल्टीमेटली सिख रिलीजन अगेन एंडेड अप

दोनों चीजों के लिए इन्होंने मना कर दिया एंड तब जाके फाइनली फिर औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट किया इन चांदनी चौक वाला एरिया एंड फिर इनके जाने के बाद अल्टीमेटली सन अल्टीमेटलीस सर बट इन डाटा याद रखोगे आनंदपुर टाउन इन्होंने ही बनाया था दैट इज लास्ट सिख गुरु दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अल्टीमेटली फिर सारा सिख रिलीजन को फाइट करके डिफेंड करने का जिम्मा अपने ऊपर लेके रखा था एंड अल्टीमेटली ड्यू टू द ग्रोइंग एट्रोसिटीज ऑफ द औरंगजेब

तो मिलिटेंट आइडियोलॉजी में यकीन रखे इन्होंने को खालसा पंथ या फिर खालसा आर्मी जो है बनाई थी फिर एग्जैक्ट रिलीजन वाले जो आइडियोलॉजीज है वो डेवलप होने चालू हो गए सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा या फिर गुरु एक स्पिरिचुअल लीडर आपका होना चाहिए मसीहा होना चाहिए ये इनके पास था thereafter next important aspect एस्पेक्ट जो है रिलीजन स्प्रेड uh, करने के लिए मांझी पीरी सिस्टम इन्होंने बना के रखी हुई थी पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने पास लेने के लिए मीरी पीरी वाला सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ था एंडर आफ्टर इन्होंने टैक्स कलेक्शन करना चालू किया दस वन दॉज अ टैक्स दैट दे कलेक्टेड एंड नाउ दे ऑल्सो हैड एन आर्मी एट देर डिस्पोजल दैट इज खालसा आर्मी एंड दैट इज ऑफ दिस एंटायर रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु दैट जिनका नाम था बंदा बहादुर बंदा बहादुर को यह बेसिकली कभी नहीं मिला दैट इज बेसिकली डिस और गुरुशिप नहीं मिला इन्होनेक्टली बुक में ही ट्रांसफर कर दी दैट इज आदि ग्रंथ साहिब जो फिफ्थ सिख गुरु ने बनाया था उसमें इन्होंने अपने एडिशन करके रखे हुए थे ग्रंथ साहिब में उन्होंने ऑफ गुरुशिप ट्रांसफर की क्यों बिकॉज औरंगजेब की पॉलिसी वेर सो मुगल रिलीजन का वैध पढ़ के अगर सारे ही गुरु खत्म किए तो रिलीजन को हो सकता है एंड दैट्स अल्टीमेटली गुरु का काम क्या है गुरु का काम है सेलिवेशन कैसे होना है वो बताना तो ऑब्वियसली सिख गुरु में से इम्पोर्टेंट सिख सिख गुरु के सारे ही जो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेयर है

खालसा आर्मी जो बनी थी खालसा आर्मी के अंडर, पंजाब ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ़ सेंचुरी कैसे फंक्शन कर रहा था एंड we'll खत्म करने से पहले दिस इज यू दिस इज पॉसिबल कोर्स वी कैन अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द हिस्ट्री ऑप्शन आप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दैन दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल टू यू कि अब इससे ज्यादा तो और डिले मत करना है यार, इससे ज्यादा अगर डिले करोगे तो फिर अगले साल में जो है ऑप्शनल कवर अप ही नहीं हो पाएगा वी स्टिल हैव एटलीस्ट टू एंड हाफ थ्री मंथ इन ऑर्डर टू कवर दिसर ऑप्शनल जिसमें एटलीस्ट हम लोग फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट ऑप्शनल काफी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं एंड इन ऑर्डर टू कवर इट अपूल बी रिक्वायरिंग सर्टन हेल्पिंग हैंड एंड इज बेटर देन मी बिकॉज आई है मैसेज को थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स इन दि हिस्ट्री ऑप्शनल

एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ फिफ्टीन ट्रिपल नाइन ये कोर्स की वैलिडिटी टोटल एटीन मंथ्स की रहेगी एटीन मंथ्स अगर आपको ज्यादा की वैलिडिटी चाहिए तो वी आर ऑफरिंग यू थ्री और बेसिकली टू डिफरेंट पैकेजेस ऑल्सो ये जो हायर रेट वाले जो पैकेजेस है सेवनटीन ट्रिपल नाइन एंड नाइनटीन ट्रिपल नाइन इट इज ऑनली रिलेटेड टू द वैलिडिटी कोर्स कंटेंट कोर्स लेक्चर एंड आफ्टर टेस्ट सीरीज विल रिमेन

on telegram channel of us and instagram Cooper you can ask me any particular question that you want so thank you so much guys i'll be stopping today we'll meet again tomorrow thoda sa isko fir aur aage but thank you so much guys study iq is ab hui affordable